तुम्हारे जो पुलिस वाले होते हैं वो टोपी व्हाइट वाली वो पहन के गाड़ियाँ चलाते हैं, वो लीगल है क्या? भी है। देखो यार, कितना भी मैं एक चीज़ कहूँगा, आप लोग शायद बुरा मान जाओ इस बात का, बट लोग कहते हैं कि मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। मैं कहता हूँ घंटा महान है, गुलामी तो तुम आज भी कर रहे हो। तो यार, एक और दिन, एक और व्लॉग, फिर निकल गया तुम्हारा भाई रांची की सड़कों पर अपना छोटा सा कैमरा उठा के। रांची की जो आज की अपडेट है वो देखने के लिए। सो हे आशियंस, दिस इज रांची राइडर। तो भाई साहब, अपन अभी हैं कोकर में, एज ऑलवेज अपन कोकर से ही शुरू हो रहे हैं आजकल। तो टाइम हो रही है 4:30 बज रहे हैं मेरे हिसाब से, और सीन ये है कि हमारे हाथों में जो एग्जामा हुआ है जिसकी वजह से हम धूप में निकल नहीं रहे हैं। हम ऐसे भी नहीं निकलते थे और अब वैसे भी नहीं निकल रहे। और एक चीज़ अब कंपलसरी हो गया है, वो है हाथों में ग्लव्स। बिकॉज जब मैं बिना ग्लव्स के चलाता हूँ गाड़ी तो क्या होता है कि स्वेट हैंडल के कवर पे जाती है, एंड फिर पता नहीं, डॉक्टर ने कहा कि शायद आपके हैंडल पे जो लगा हुआ है कवर उससे कुछ रिएक्शन हो रहा है। तो ग्लव्स तो मेरी कंपलसरी हो गई, बट गुड न्यूज़ ये है कि दवाइयाँ टाइम पर ले रहा हूँ अब, और जो एग्जामा है हाथ में वो जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है, तो वो एक गुड न्यूज़ है। फिलहाल बात करते हैं जो चल रहा है अभी अपने रांची में। 8 बजे तक दुकानें बंद, और संडे वाली जो चीज़ थी बाद में मुझे पता चला वो भी सच है कि नहीं, लोग कह रहे थे कि उस डिसीजन को वापस ले लिया गया था कि संडे को दुकानें बंद नहीं रहेंगी। आई एम नॉट श्योर ये भी सच है कि नहीं, आप लोग को पता तो आप लोग नीचे कमेंट करो। तो बात करें अगर ये जो चल रहा है अभी, लगभग लॉकडाउन तो नहीं कह सकते इसको, बट हाँ फिर से बहुत सारे पाबंदियाँ लगाई गई हैं। तो उनमें से एक है नाइट कर्फ्यू जो कि लगाया गया है, रात में आप नहीं निकल सकते हैं बाहर। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, क्या फ़ायदा है इसका? मेरे को 0.01% भी फ़ायदा नहीं दिख रहा है इसका, क्योंकि भाई साहब रात में वैसे ही कोई नहीं निकलता है। 99.9% आबादी सो रही होती है, कुछ हम जैसे चमगादड़ होते हैं जो रात में निकलते हैं कभी कभी, बट फिर भी नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब है? अभी आप देखोगे, जस्ट अपने सामने देखना, अभी जितने भी गाड़ियाँ आएंगी बहुत लोग ऐसे दिखेंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगा हुआ है। देख लो, मास्क है पर नाक से नीचे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा यार कि प्लीज़ मास्क पहनो, सैनिटाइज़र यूज़ करो। बिकॉज एक और ये चीज़ है कि अपन अभी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरीटेट हो चुके हैं कोरोना वोरोना से। बिकॉज एक तो जब भी आप किसी को कॉल करोगे कंपनी वाले आ जाएंगे अपने प्रचार लेके, नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन काम कर रही है। भाई साहब, अगर आपकी वैक्सीन काम कर रही है तो फिर ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी वैक्सीन काम कर रही होती तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, ना मास्क लगाने पड़ता, ना सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ता, ना ये कर्फ्यू होती, ना ये रूल्स होते कुछ नए नए। तो सबसे सही बात यह है कि आपकी वैक्सीन काम नहीं कर रही है भाई साहब, इसीलिए सरकार भी डर रही है। उन्हें पता है कि भाई साहब फेलियर है, बट वो एक होता है ना कि नहीं हमें कुछ दिखाना पड़ेगा, हम कुछ करेंगे। तो लो, हमने कुछ किया है अपनी सरकार में। आपने सिर्फ एक ही काम किया है अपनी सरकार में, वो है अपनी देश को लूटा। वो सिर्फ आप नहीं हो, मैं किसी एक इंडिविजुअल पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, वो सारे नेताओं का काम है, सबका। कॉल आ गया, ज़रा उठा ले इसको हम। हाँ, तो अपन यहाँ थे कि जो वैक्सीन है वो काम नहीं कर रही है, और ये सबसे बड़ी फेलियर है आपकी, ठीक है? और अगर काम कर भी रही है, अगर कर रही है, तो आप उसको लगवाने की स्पीड क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? क्या रीज़न है? तो ये सब चीज़ों के बात करने के बजाय अब ऐसा हो चुका है भाई कि अगर सरकार बोलेगी छींको तो छींकना पड़ेगा, खांसो तो खांसना पड़ेगा, मर जाओ तो मरना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी लाइफ भी सरकार के तरीके से जी रहे हैं। सरकार ने कहा मास्क पहनो, नहीं पहन रहे हो तो लो, चलो ठीक है, जो आप कह रहे हो मैं मानता हूँ कि सही है, बट उस बेसिस पे आप चालान करोगे और सोचोगे, वो भी बेहुदा सा चालान, बेहुदा टाइप्स का चालान। आप रैलियाँ कर रहे हो, उसमें मास्क नहीं है, बट क्या हो रहा है? आम आदमी अगर मास्क पहन के, मैं इंडिविजुअली बाइक चला रहा हूँ, भाई साहब मेरे साथ कोई बैठा है क्या?
मैं क्यों, मैंने ऑलरेडी हेलमेट लगा रखा है, मैं क्यों पहनूं मास्क, नहीं पहनना मेरे को। और अगर अगर ये हेलमेट बेकार है, अगर हेलमेट के अंदर भी आपको ये पहनना है मास्क, तो फिर फेस शील्ड क्यों लगा लेते हो आप लोग अगर मास्क नहीं पहनते हो। तो जब इनसे लॉजिकल बातें करोगे तो ये बात करेंगे नहीं। तो भाई साहब सच्चाई यही है कि बहुत बड़ी फेलियर है, बहुत ज़्यादा बड़ी फेलियर है। जो आपको डिसीजंस लेने थे बड़े बड़े, तो आपने लिए नहीं, और अभी आप अपनी गलतियों का सारा जिम्मा थोप दे रहे हो किस पे, पब्लिक पे, कि पब्लिक गलत है। देखो यार, मेरे को नेताओं से और पुलिस वालों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट हाँ एक चीज़ है कि जब से होश संभाला है तब इन्हीं दो लोगों का सबसे ज़्यादा बदनाम देखा है मैंने। और ऐसा नहीं कि कोई लोग कहते हैं कि नेता ये होते हैं, पुलिस कहते हैं कि नेता वो होते, इसीलिए पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, और आप लोगों ने भी किया होगा, कभी ना कभी तो किया होगा। वरना कोई ऐसा एक बंदा नहीं है जो कह सकता कि नहीं मुझे नेताओं के चलते कोई दिक्कत नहीं हुई, या पुलिस वालों ने कभी मुझे ट्रबल नहीं दिया। तो एक चीज़ आप लोग इसमें नोटिस करते हो कि ये हमसे वोट मांगते हैं, कहा जाता है इन दोनों को, कहा जाता है पब्लिक सर्वेंट्स। तो आप बताओ क्या नौकरों के तेवर ऐसे होते हैं, क्या नौकर हमसे ऐसे दादागिरी से बात करेंगे? अरे हम तो जैसे अपने नौकरों का इज्जत देते हैं, वैसे आपको भी अपना पब्लिक सर्वेंट समझ के इज्जत देते हैं, बट आप लोग क्या करते हो? आप किसी सरकारी ऑफिस चले जाओ, आप SBI चले जाओ ना सर, SBI बैंक चले जाओ आप, और कोई काम करवाओ वहाँ पे। सबसे पहले तो आपको एक ही काम के लिए 4 काउंटर दौड़ा देंगे ये लोग। यही आप किसी प्राइवेट बैंक में जाओ, वो 4 काउंटर वाला चीज़ आपको एक ही काउंटर पे हो जाएगा, या तो आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, घर आके कर देंगे ये लोग। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको जाना नहीं पड़ता है। अब लोग कहेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है, आप कोटक बैंक में अकाउंट खुलाओ, आपको किसी चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग वो आपके घर पे आके करके जाएंगे, और सर्विस भी उनकी A1 है, कोई घपला नहीं है उनका। तो दैट्स द प्रॉब्लम कि सरकार अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं देके पब्लिक की मारने पे लगी रहती है। हेलमेट नहीं पहने तो 5000 चलान। अबे तुम्हारे ट्रैफिक वाले होते हैं, मेरे तो कितनी 2-3 वीडियो यार पुलिस वालों के जिनमें उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा। तुम्हारे जो पुलिस वाले होते हैं वो टोपी वाइट वाली वो पहन के गाड़ियाँ चलाते हैं, वो लीगल है क्या? नहीं है वो लीगल, वो टोपियाँ पहन के गाड़ियाँ चला रहे हैं। अब एक आध दिख जाए तो दिखा दूंगा मैं, रोज में कोई ना कोई दिख जाता है वो शादी वाली टोपी पहन के। तो मतलब जो रूल हमारे लिए वो रूल आपके लिए नहीं है, अगर आपके पास पावर है तो आप उसका गलत यूज़ करोगे। दैट्स द रीज़न वाई आई हेट बोथ ऑफ देम, दोनों किसी काम के नहीं है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं। पुलिस से कहा गया कि अगर आपको कोई दिक्कत है आप पुलिस से सहायता लो, ओके ये हमारी गलती है, दिस इज़ माई फॉल्ट, सॉरी। हमसे कहा गया है कि पुलिस हमारी सेवा में है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है आप उनसे जाके मदद लो। हमारे साथ फ्रॉड हुआ था एक बार काफ़ी पहले, 7-8-9 में शायद, हमने फ़ोन मंगाया था ऑनलाइन, और अनरजिस्टर्ड साइट थी कोई, और उसमें आइडिया नहीं था इतना, तो उस समय हमारे लिए 4-5 हज़ार की रकम बहुत होती थी, काफ़ी जमा करके हमने वो पैसे जमा किए थे। एंड जब वो पार्सल आया तो उसमें शूज़ निकले थे, 5000 के शूज़, समझ रहे हो, उसकी कॉस्ट मात 150-200 होगी। हम पहली बार पुलिस स्टेशन गए थे, हमें लगा कि चलो शायद यहाँ पे कोई मदद मिलेगी, मैं था और पंकज और राहुल, हम लोग 3 दोस्त थे। वहाँ पे जाने का उन्होंने क्या क्या पता है कि अरे ये तो हमारा काम ही नहीं है, आप एक काम करो ये पोस्ट ऑफिस वालों को ही दे दो, अब आ गया तो क्या कर सकते हैं। ग्रेट, अपन जब वहाँ से वापस आए तो राहुल के पापा आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि क्या तुम पुलिस स्टेशन गए थे, हमने कहा हाँ गए थे। उन्होंने हमें सीधा डाटा कहा क्यों गए थे, नंबर वगैरह तो नहीं लिया ना तुम्हारा? नहीं। तो उस दिन मेरे को एक बात समझ आई कि पुलिस वालों से लोग डरते हैं, और सच बोले तो पुलिस चीज़ नहीं है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो उनसे क्यों डरोगे। बट इनका ऐसा इमेज है ना हमारे सामने कि दो चीज़ें आज भी हमें बोली जाती हैं, हमारे बड़े कहते हैं हमें, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, और दूसरा क्या, नेता किसी के सगे नहीं होते।
ये दो चीज़ है और ये दो बहुत सही चीज़ें हैं, क्योंकि अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कह के गए ना तो उन्होंने भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तभी वो चीज़ हमें बता रहे हैं। आप सोच के देख लो क्या गलत है इसमें। तो खैर जो भी है, देखो यार कितना भी मैं एक चीज़ कहूँगा, आप लोग शायद बुरा मान जाओ इस बात का, बट लोग कहते हैं कि मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। मैं कहता हूँ घंटा महान है, गुलामी तो तुम आज भी कर रहे हो। कहाँ महान है भारत? करप्शन है, लूट है, रेप हो रहे हैं, इसमें है भारत महान? पुलिस किसी काम की नहीं है, नेता सारे चोर बैठे हुए हैं, स्टिल आवर भारत इज महान। किस एंगल से महान हो भाई साहब तुम, किस एंगल से महान हो? आप कहते हो कि हम दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं, सबसे बड़ी सेना है हमारी, क्या करोगे सेना का? दूसरे देश से बचाओ, कह रहे तुम खुद ही लूट रहे हो हमें, दूसरे देश भी आके वही करेंगे जो तुम कर रहे हो, तो पहले खुद से लड़ लो, अपनी सेना को अपने खिलाफ यूज़ कर लो तुम। देखो ये सब बातें मैं जल्दी करता नहीं हूँ, बट ये वो चीज़ें जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। तभी मैं कहता हूँ कि अगर मैं बात करूँ तो लोग कहेंगे कि कैमरा के लिए कर रहा है, पुलिस को बदनाम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जबकि ये चीज़ तुम भी करना चाहते हो बट तुम कर नहीं पाते, इसलिए लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हो, लोगों पे फालतू कमेंट्स करते हो। वरना मेरा क्या, मैं बाइक लेकर निकलूँगा, रोज़ कुछ ना कुछ मिलेगा, देखेंगे डाल दूँगा। ये वो बातें हैं जो लोग बात करने से डरते हैं, उन्हें लगता है उनके खिलाफ़ कोई एक्शन होगा। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा भाई साहब माइंड सेट ही कुछ अलग है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो मैं सही हूँ भाई साहब। आप मान लो ये चीज़ें होंगी कि आएंगे क्या, आपने कहा मेरे पास 50 प्रूफ पड़े आपके खिलाफ, 50 में से 30 तो हमारे वीडियो में ही है। तो खैर इस बारे में अपन कुछ कर नहीं सकते, बट इतना ही बोलेंगे कि यार मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज़ करो, बिकॉज लाइटली ले रहे हो, अपन जान रहे कि अपन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं इस चीज़ से, बट फिर भी मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज़ करो, खुद को सेफ रखो, जितना हो सके घर से बाहर कम निकलो। वरना आप लोग को शायद पता नहीं है पर ये शॉर्ट ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है वो मुझे कोरोना के टाइम से ही हुई है। मार्च के टाइम में हमारी तबीयत ख़राब हुई थी, हमने इंस्टा पर डाला भी था कि हमारी तबीयत ख़राब है, जो अपन लॉकडाउन में दबे हुए थे, मुझे उस टाइम लगा था कि कोरोना हुआ है मेरे को, बट कुछ और सीन था उस समय, बट फिर भी उसी टाइम से अपने को ये चीज़ है। तो चलो यार यही बात करनी थी अपने को, तो अपन ने अब से कर ली है बात, अब अपन थोड़ा काम भी कर लेंगे जाके, होप करते हैं कि सब कुछ जल्दी सही हो जाए, मतलब कोरोना वाली सीन, ये सरकार कभी सही नहीं होने वाली। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बॉयज़।